मोदी जी जैसा नहीं है कि झूठा बोल करके दो मिनट में तय कर लेना है सब कुछ। अच्छा, मोदी जी झूठा है? तो झूठा नहीं है तो क्या है? झूठा 15 लाख आया आपके खाता में। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? फिर वही मोदी सरकार 2024 में। इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा गठबंधन है जिसमें मायावती है, मायावती जिनको लोग फुआ कहते हैं, फूफा नहीं है। एक गठबंधन में ममता बनर्जी हैं जिसको दीदी कहते हैं, जिया जी नहीं, गायब हैं। एक गठबंधन में राहुल गांधी है जिनको भैया कहते हैं, लोग भाभी गायब है। तो उनका खुद का गठबंधन नहीं बना, वो देश का। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी भी अभी दबेदार हो सकते हैं। अच्छा। अभी बात विचार चल रहा है, मेन फोकस। श्री लालू प्रसाद का अभी स्टेटमेंट सुने होंगे। हाँ हाँ बोलिए। आप ही लोग द्वारा प्रचार किया गया था, उनसे पूछताछ किया गया था, तो बताए थे कि उनके नरेटिव पे चढ़ने जा रहे हैं। अच्छा। तो उनके नरेटिव पे चढ़ने का मुहावरा का अर्थ भी है। तेजस्वी जिस दिन फूल बहुमत से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उस दिन 10 लाख रोजगार मिलेगा। 2024 प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेंगे? आपको पता है? पता है। यहाँ तो हमारा नीतीश चाचा कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, बनने के लिए तो नीतीश चाचा को नहीं बनाइएगा। देखिए, राहुल गांधी जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी वालों ने देश को बेचने का काम किया है, उसी तरीका से देश के बेटियों को भी बेचने का काम। आप देख रहे हैं ए टू जेड बिहार, मैं सूर्यदेव चौहान आपका स्वागत करता हूँ। आज हम विशेष खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है लोगों से कि 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, सारे चीज़ जानने के लिए हम आए हुए हैं। आज औरंगाबाद में हैं और अगर बात करें, अगर लोकेशन की, तो औरंगाबाद का यह सिन्हा कॉलेज है जो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। बहुत सारे देख सकते हैं विद्यार्थी हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ए टू जेड बिहार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार सिंह हुआ। यहाँ पर आप आए हैं कॉलेज में, क्या हैं आप? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। पूर्व में हम छात्र संघ चुनाव में यूनिवर्सिटी एबीवीपी का छात्र संघ का मतलब नेता हैं। हाँ जी, है ना जी। क्या कहना चाहेंगे, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? फिर वही मोदी सरकार 2024 में, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहे मोदी सरकार क्यों? क्योंकि उनकी योजनाएँ सारी सफल हो रही हैं, लगातार देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम विश्व पटल पर गूंज रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश में आए। ये बहुत बड़ा मोदी भक्त निकले। मोदी जी का 5 काम गिना दीजिए हमको। सबसे पहले तो उन्होंने कोरोना काल में जो किया, अच्छा। पूरे विश्व को दवा देने का काम किया, अपने ही देश में वैक्सीन बनवाने का काम किया। अच्छा। आज मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे में कि घर घर आज गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंच गया, शौचालय योजना जो है उसमें देखिए कि कई गरीब किसान, गरीब मजदूर के घर में आज शौचालय बन गया, जो कि पहले व्यवस्थाएँ नहीं थी। आज जो आवास योजनाएँ हैं जन जन तक पहुँच रही हैं। पहले यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि किसान के खाते में हम ऊपर से 2000 रुपया डालते हैं और खाते में 10 रुपया पहुँचता है। आज उसको खाता खुलवा कर और जनधन योजना के माध्यम से वहाँ से मोदी जी तो अभी कहते 15 लाख रुपए देने का वादा किए थे। ये कहीं नहीं, मोदी जी ने कहा था कि वो 15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने ये कहा था, आप स्पष्ट क्लिप को सुनिएगा, तो उन्होंने कहा था कि जब इस देश में इतना काला धन है कि जब काला धन को लाया जाएगा तो करीब एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए के बराबर। ये बात कह करके उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो भी गरीब मजदूर हैं उनके खाते तक हम इस पैसे को पहुंचाने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा हम कोई क्लिप में हम लोगों ने नहीं सुना है और इसकी हम लोग कोई खंडन नहीं करते। अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं, पता है आपको कि महागठबंधन का एक नाम दिया गया है, इंडिया गठबंधन, इंडिया उसका नाम ही दिया गया पार्टी का, और सारे पार्टियां, पूरा भारत की पार्टियां एकजुट है, एक तरफ है, और बीजेपी एक तरफ है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे इंडिया नाम देना, पहले तो वो लोग यही गलत कर रहे हैं। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई योजना नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा कि कम से कम अपनी पार्टी का गठबंधन का नाम इंडिया दे दे रहे हैं। और वो कैसा गठबंधन है जिसमें मायावती जिनको लोग फुआ कहते हैं, फूफा नहीं है। एक गठबंधन में ममता बनर्जी हैं जिसको दीदी कहते हैं, जिया जी नहीं, गायब हैं। एक गठबंधन में राहुल गांधी है जिनको भैया कहते हैं, लोग भाभी गायब है। तो उनका खुद का गठबंधन नहीं बना, वो देश का क्या गठबंधन बनाकर। सर देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का खुद का गठबंधन नहीं बना तो ये देश का गठबंधन क्या करेंगे, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम सी RJD से हैं। RJD से क्या हैं? छात्र राजद। राजद छात्र हैं, नेता हैं ना। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? महागठबंधन के अभी जो है फाइनल चेहरा जो है एक दो दिन में लॉन्च हो जाएंगे, कौन उसका सही। महागठबंधन से फाइनल चेहरा अभी लॉन्च होंगे? राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी भी अभी दबेदार हो सकते हैं। अच्छा। अभी बात विचार चल रहा है, मेन फोकस तो राहुल गांधी पे है। तो आपका मन है कि नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री का? मन नहीं, जो संगठन महागठबंधन के जो एक धारा से बंधे हुए लोग हैं, एक धारा में जो बात होगा, जो तय होगा मीटिंग के अनुसार, उसके अनुसार जो है उम्मीदवार चयन होगा। चंदन जी, हम जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप अभी कह रहे हैं कि लोग गठबंधन में कयास लगा रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, यही ना?
लेकिन सब लोग तो करेंगे, राहुल गांधी बनेंगे तो राहुल गांधी तो बनवे करेंगे। अभी जो है मीटिंग चल रहा है, सब पिच पे बात होगा, विचार होगा, सीटिंग की व्यवस्था होगा किस तरीके से। जैसा कि भाई ने कहा है कि अभी न राहुल गांधी का गठबंधन हुआ, न ममता जी का गठबंधन हुआ, न मायावती जी का गठबंधन हुआ, तो कैसे कर इन लोग इंडिया गठबंधन बना करके सरकार बना लेंगे। इंडिया नाम रखते हुए गैस के दाम 200 रुपया कम गया ना, क्या बात है, तो कम गया ना। और अभी देखिए क्या क्या कम है, मतलब गैस कितना मिलने वाला फिर। अभी तो 800 रुपया मिलेगा उज्ज्वला योजना वाला, उज्ज्वला योजना 800 में मिल रहा है अभी। अभी 800 कैसे मिल रहा है, अभी 1200 दाम हो गया था, 200 घटा था, 1000 हो गया। 200 सब्सिडी वाला जो आता है उसका कम है, 400 घटता है उज्ज्वला योजना का। अच्छा, उज्ज्वला योजना का 400 घट जाता है। पाँचों काम गिना दीजिए, कांग्रेस का, राहुल गांधी का। काम नहीं देख रहे हैं आप लोगता नहीं है काम। नहीं, हम लोग को दिखता है, लेकिन लोग जानना चाहता है आपसे। हम लोग तो लोग बता ही रहे लोगों को, लेकिन आप बताइए कि कुछ ऐसे काम जो कि राहुल गांधी ने जो कि अच्छा किए। इंदिरा आवास, अच्छा आवास योजना का जो लाभ आज उठा रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास हो गया। क्या पहले इंदिरा आवास था सिर्फ? नाम रख करके तो कुछ भी कर देंगे लोग। अच्छा, अटल पार्क रखे थे ना पटना में, पहले कांग्रेस ही ने लाया था। पहले तो कांग्रेस ही ने लॉन्च किया भाई, कर रहे क्या कर रहे भाई। पहले तो कांग्रेस ही लाया था ना, कांग्रेस लाए थे, लेकिन बीजेपी मोदी जी ने कहा दिया प्रधानमंत्री इंदिरा आवास। देखिए बाद में अगर बीजेपी कुछ भी कर ले, उसका नैया डगमगा चुका है। अच्छा, हाँ अब वो समझ चुके नरेंद्र मोदी, मोदी जी प्रधानमंत्री अब नहीं बनेंगे, उनको इस बार चारा चलने वाला ही नहीं है। अच्छा, हाँ आप बताइए। आदरणीय श्री लालू प्रसाद का अभी स्टेटमेंट सुने होंगे। हाँ हाँ बोलिए। आप ही लोग द्वारा प्रचार किया गया था, उनसे पूछताछ किया गया था, तो बताए थे कि उनके नरेटिव पे चढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो उनके नरेटिव पे चढ़ने का मुहावरा का अर्थ भी आप समझते ही होंगे। हाँ, सही बात है ना। हाँ, तो आज हमारी बैठक चल रही है। अच्छा, मुंबई में। देखिए पहले तो आप इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर पा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे। सब क्लियर हो जाएगा आज से कल तक में, सारा क्लियर आप लोग के पास, सारा मीडिया प्रभारी के पास डिटेल्स मिल जाएंगे। मोदी जी जैसा नहीं है कि झूठा बोल करके 2 मिनट में तय कर लेना है सब कुछ। अच्छा, मोदी जी झूठा है? तो झूठा नहीं है तो क्या है? झूठा 15 लाख आया आपके खाता में? नहीं आया है। तो कहे नहीं आया है? कुछ तो कह रहे हैं। और देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वादा नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि काला धन जब वापस आएगा तो प्रत्येक आदमी तक 15 लाख रुपए देंगे तो जाकर पूरेगा। बाबा राम तो कहते कि 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। अच्छा, कहाँ गया पेट्रोल, कितना दाम है अभी, कितना में भरवाते हैं? अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस का सरकार अगर बनती है, इंडिया की सरकार बनती है, कांग्रेस का नहीं इंडिया की सरकार बनती है, गठबंधन की, आपकी एनडीए हारेगा इंडिया जीतेगा, एक चीज जान लीजिए। इंडिया नाम रखाया है क्यों से आप समझिए। हाँ, सकते तो समझ रहे हैं, लेकिन अगर जीतती है तो क्या क्या वादे लेकर के आ रही हैं? वादे लेकर आ रहे हैं आप लोग? क्या क्या वादा लेकर के इंडिया गठबंधन आ रही है? अभी देखिए जैसे मोदी जी तो कह दिए कि 15 लाख रुपए हम देंगे। अच्छा, मगर ये दिए नहीं। अच्छा, हमारे जब सरकार बनेगा हम लोग को। यहाँ तो तेजस्वी जी बिहार में भी घोषणा किए थे 10 लाख हम। तेजस्वी जी जिस दिन फुल बहुमत से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अच्छा, उस दिन 10 लाख रोजगार मिलेगा। अभी भी रोजगार, अभी डिप्टी सीएम है ना भाई, तो डिप्टी सीएम है तो। अभी तक जितना शिक्षक का बहाली हुआ है, अच्छा, किसी राज्य में इतना बहाली नहीं दिया गया था। अच्छा, तो शिक्षक के बहालिया में आप हैं? कई जो बीपीएससी के जो परीक्षा हो रहा है उसमें थे आप? हम नहीं है। बीपीएससी का परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं आपसे हम। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है लोगों से, मैंने जब पूछा था तो बोला कि यूपीएससी लेवल का ये। आप क्या चाहते हैं कि मैंने हमारे देश में जो है सभी राज्य तो है, यकीन है कि बिहारी से पूरा देश चल रहा है? नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए था कि जो है टीचर जो है और टीचर भी आए अलग राज्य से भी आए, ताकि हमारा जो है और आगे विकास करेगा शिक्षक। अच्छा, शिक्षक विकास करेगा? हाँ विकास। जैसा ये लोग कहे कि और राज्य से लोग आए, बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा आप लोग जानते हो कि जो साधन है वो शिक्षक का, एक शिक्षा भर्ती था जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार के लोगों को लाभ मिलता था। सभी राज्य ने उसमें 10% लगा रखा था और बिहार में नीतीश कुमार कह दिया कि आइए आपका सबका स्वागत है। चलिए वहां तक ठीक था, अगर स्वागत किए तो उसमें ये कहना कहा तक उचित है? आज आप लोग सभी लोग यहाँ पे होंगे, मैं किसी दलगत राजनीति से ऊपर की बात कहता हूँ कि क्या बिहार में बिहार के लोग सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हैं कि नहीं? बिल्कुल जरूर। हाँ, तो जब तो फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि बिहार के लोगों में योग्यता की कमी है इसलिए हम बाहरों से शिक्षक को लाना चाहते हैं? अब बताइए, जिस परीक्षा में सबसे ज्यादा देश का सबसे जो कठिन परीक्षा जिसको बीपीएससी कहा जाता है, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी, जिसमें कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा, अगर रिजर्वेशन और इस चीज को हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग उसमें नजर आएंगे, उसके बाद भी सबसे ज्यादा उसमें रिजल्ट बिहार के लोगों का होता है। इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे भाई चंदन जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था कि शिक्षा मंत्री द्वारा ये कहा गया कि हमारे बिहार में टैलेंट की कमी है इसलिए हम बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं, बाहर के लोग आएंगे अच्छा बिहार में पढ़ाएंगे। हमारे बिहार में क्या शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि हमारे बिहार में टैलेंट बच्चों की कमी है? अभी हमारे बिहार का जैसे देखा जाता है कि IAS IPS पूरा भारतवर्ष में,
बनते हैं, क्या बोले हैं सुने हैं? अच्छा न बोलिए आप, टैलेंट की कमी है। अच्छा टैलेंट मतलब अगर दूसरे राज्य से कोई ज्यादा जानते हैं तो हमारे बिहार में आकर के पढ़ाएं। अच्छा ये चीज बोले हैं। अच्छा ये नहीं बोले हैं कि सब बिहार के मूर्ख हैं। नहीं, बिहार के ये भी बोले हैं वो कि बिहार के लोगों में इतना सक्षम नहीं है कि स्कूल में बढ़िया से पढ़ा सके, इसलिए हम बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहाली जैसे ठीक है, हम लोग एजेंसी सब बेचा गया ना केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छा शिक्षा पे कितना ध्यान दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ईमानदारी से बता दिया जाए तो पूछिएगा तने। और शिक्षा में तो जिस तरह से कारनामे अभी के पाठक कर रहे हैं ना, शायद ही कोई राज्य में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अभी जो कर रहे हैं शायद काबिले तारीफ है, इस बात का समर्थन करते हैं। राज्य में कर रहे हैं, किनका सरकार है? अरे गठबंधन का सरकार है। हाँ। गठबंधन की सरकार है ना। हाँ, हाँ। तो शिक्षा का महत्व दिया जा रहा है, बिहार है ना कि दूसरे, कहीं ना कहीं आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो कभी कभी उलझ जुल बयान देते हैं, उनका बयान क्या देते हैं नहीं देते हैं वो उनसे पूछने के योग है। अच्छा। आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा। जहाँ तक शिक्षा का बात है, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार हमारी जो है सक्षम तरीका से चल रहा है और शिक्षा पे मेन फोकस दिया हुआ है, आप इस चीज को देखिए। और भी लोगों से पूछते हैं पहले कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे 2024 में, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राहुल गांधी बनेंगे, हमको पता है। यहाँ तो हमारा नीतीश चाचा कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं बनने के लिए तो नीतीश चाचा को नहीं बनेगा। देखिए राहुल गांधी बनेंगे, ठीक है ना, ये चलते कि देखिए अभी तो 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, उससे पहले तो कांग्रेस का ही था ना, तो सब किया करा हुआ काम पे बीजेपी राज कर रही है अभी। क्या बात ना, मतलब पहले जो कांग्रेस कर दिए सब तो कांग्रेस की है पहले ना, अभी नया चीज में क्या आया है बताइए? क्या आया है? बहुत कुछ नहीं, बोलिए क्या है? बहुत कुछ आया, शिक्षा विभाग में सुधार हो गया। और बिहार के शिक्षा विभाग तो बिहार के गठबंधन ने किया। नहीं गठबंधन नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे थे भैया। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पिछले 10 वर्षों में जो हुआ वो कभी नहीं हुआ। विदेश में जो भारत का अभी इमेज चल रहा है कभी नहीं ऐसा चला था। ये सब रेलगाड़ी के कारखाने सब बिक गए, बिक गए। LIC रेल सब बिके ना गया, सब प्राइवेट हो गया। कुछ दिन में कॉलेज बिक जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। देखिए ये भाई बोल रहे कॉलेज वो बिक जाएगा कुछ दिन में, सब ऐसा ही है। अच्छा अगर प्राइवेटाइजेशन, एक चीज हमको बताइएगा, आप लोग सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, फिर एक जेन्युइन सवाल हम बताते हैं आप लोगों को, इसमें से रेलवे स्टेशन पे सभी लोग जाते हैं ना, क्या आज अगर सफाई कर्मी का काम रेलवे का सुरक्षा सफाई का काम अगर कोई किसी एजेंसी को दे दिया गया तो क्या रेलवे में सफाई हुआ कि नहीं? आज प्लेटफॉर्म पहले से सुधरा कि नहीं? आज रेल पहले से सुधरा कि नहीं? पहले आप जानते होंगे कि कोई भी ट्रेन जब चलता था तो 5 घंटा लेट 7 घंटा लेट 10 10 घंटा लेट, आज तो लेट का कभी कहीं समस्या नहीं है। आज आप नहीं, देखिए लेट की बात करेंगे तो लेट होती है, अभी भी लेट है। मेरी बातों को, रेलवे प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी रेल हादसा हो रही है, मणिपुर का घटना देखिए, आज तक मोदी जी वहां गए मुंह चुप करके बैठे बेटी नंगे दौड़ रही है। देश हमारा शर्मसार है, हमारा मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी रेल हादसे के जगह पे पिछले बार कुछ दिनों में हुआ था, जैसे 300 लोग मारे गए थे, उसमें रेल हादसे के जगह पे पहुंचे थे मोदी जी, पहुंचे थे। चलिए आज से पहले किसी ने देखा था क्या कि कहीं रेल हादसा होता है और वहाँ रेल मंत्री अपनी जो जगह पे रेल हादसा होता है वहाँ निरीक्षण करते हैं, लगातार तीन दिन तक उस जगह पे अपने आप को रखते हैं, निरीक्षण करते हैं। हादसा हुआ ही नहीं, रेल को शुरू होने तक वहाँ पे रहते हैं। और दूसरे नेता सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे नेता काम नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे रेल मंत्रालय हो, चाहे हमारे आज जो पहले केंद्र सरकार यूपीए की सरकार में महीना में नहीं साल में 3,000 किलोमीटर रोड बनता था, आज एनडीए के सरकार में महीने में 3,000 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है। अब बताइए और क्या विकास चाहिए आपको? विकास यही हुआ है, विकास कहने का मतलब इनके तरफ से ये है कि सारे हमारे फौजी भाइयों को अपने द्वारा प्रधानमंत्री सबको करा देते हैं, क्रैश करा देते हैं, ठीक है, अपने से ही जो हुआ था उन्हीं का देन है। अपने खुद से करा खुद से करवाए हैं। एक चीज़ भविष्यवाणी बता दे रहे हैं आपको, अभी 2024 में जो है अगर मोदी जी 2024 में मोदी जी हारेंगे भी, हारने जाएंगे, जैसे ही लगा कि हारने वाले हैं तो फिर देखिएगा फौजियों के ऊपर हमला करवाएंगे एक दूसरे को। ऐसा बात अगर इन लोग को आगामी में पहले ही ऐसे लोगों को पता चल जाता है तो ये लोग उस हादसा को रोक काने लेते हैं, इनके साथ इनके भी तो एक दूसरे को देखिए। चीन के प्रधानमंत्री से मिले हैं ना, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? ये सब सेटिंग हो गया है कि मेरे दोस्त जैसे हम हारेंगे वैसी तुमको टेलीफोन करेंगे और वैसी जो है हमला करवा देंगे। मणिपुर हिंसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में सबसे बड़ा भारत के लिए विषय है, मणिपुर हिंसा को हम लोग
कड़ी निंदा करते हैं। और वहाँ हमारे जब प्रधानमंत्री विदेश दौरा पे थे, उन्होंने आया और सबसे पहले उस मुद्दा अभी भी जल रहा है मणिपुर भाई, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जो वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में जो वहाँ हिंसा झड़प हुई है, उसके लिए वहाँ की राज्य सरकार को प्रधानमंत्री ने कड़ी शब्दों में उनकी निंदा की है और वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करने की काम की है। लेकिन 2024 का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी का है, मोदी क्यों ना करे मोदी। अच्छा, गिनवा दे काम। बोलिए, 37 किलोमीटर रोड पर 4 करोड़ आवास प्रधानमंत्री के तहत, हाँ। और बता रहे 10 करोड़ शौचालय। अच्छा, और क्या बता रहे? जो शौचालय जो बनवाए, बात करता है जो राष्ट्र मोदी जी शौचालय जो बनवाए हैं, धरातल पर नजर नहीं आ रहा भाई। धरातल क्यों नहीं नजर आ रहा? आप एक बार निकलिए ग्राउंड फ्लोर पे देखिए, तब देख रहे हैं जो शौचालय बना हुआ खत्म हो गया। हर गांव में देखिए, हर शहर में देखिए, शहर में आपको शौचालय 15 लाख लगा हुआ। क्या 15 लाख वाला वैसा कोई अभियान नहीं। आप देख लीजिए टिप्पणी, पूरा क्लिप आप सुन लीजिए कि 15 लाख का क्या सूचना है। और सबसे बड़ी अभी हम धन्यवाद देते हैं इसरो, देख लीजिए झंडे पर चांद और चांद पर झंडा होना बहुत बड़ा बात है। 70 साल में हुआ नहीं हुआ 10 साल में हो गया, हुआ ना। 70 साल से देश गुलाम था, भारत का झंडा नहीं फहराता था ना। नहीं, मोदी आए तब झंडे की बात अगर कर रहे हैं तो विद्यार्थी परिषद ने ही एक नारा दिया था कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी। और जो लाल चौक पे जो झंडे का बात है, वो विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। और आज हम गर्व के साथ इसीलिए नरेंद्र मोदी को हम लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि आज धारा 370 हो चाहे राम मंदिर जैसे मसले हो, क्योंकि पहले यही यूपीए की सरकार कहती थी कि धारा 370 कभी नहीं हटेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। आज उन्होंने हटाने का काम किया, आज राम मंदिर का फैसला आया। तो क्या अगर ये सिर्फ एजेंडा होता तो इस पर फैसला तो नहीं आना चाहिए? धारा 370 फिर जाएगा, जैसे ही इंडिया का गठबंधन बनेगा धारा 370 फिर जाएगा। क्या फायदा हो? फायदा होगा, वहाँ के जो निवासी है वही लोग रहेंगे वहाँ पे। हम लोग नहीं जा सकेंगे, हमला नहीं होगा। नहीं तो हम लोग हमला ये कहाँ का सिस्टम है कि हम जाइए, आप जाइए वहाँ पे, जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। जैसे आओ, बाकी लोग भी घूम जाते हैं, घुसपैठ का राम मंदिर चुनाव मुद्दा बना दिया इन लोग। हाँ, धर्म को जो कांग्रेस भी इसी मुद्दा को लेकर के राज करते आई है। कांग्रेस नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस इसलिए उसका फैसला नहीं करवा पा रही थी कि उससे उसके मुद्दे से उसको वोट के राजनीति होती थी, उसको फायदा होता था, इसलिए फैसला नहीं हो पाता। देखिएगा सर, तो हमेशा राम मंदिर को लेकर सब चुनाव मुद्दा बनाया। अलग बात, ये अलग बात, ये इस चीज को हम निंदनीय तरीका से देखते हैं। क्या कर रहे थे आप? बिल्कुल आरजेडी और जेडीयू की बात कर रहे हैं। जेडीयू में तो आरजेडी में ऐसे मंत्री हैं कि जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई तो नासा को धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे मंत्री हैं, कुछ लोग ऐसे मंत्री हैं जो कर रहे हैं, जो लैंडर गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा। कुछ ऐसे हैं जो एक लालू जी, लालू प्रसाद जी के जो बेटा है, उनका बयान है कि अगर भगवान का माया नहीं होता तो चंद्रयान 3 चांद पे नहीं जाता। अच्छा। बताइए, ऐसे मानते हैं जेडीयू का? अच्छा। बिल्कुल भगवान का माया है, बट साइंटिस्ट को नहीं दे रहे धन्यवाद। नासा किस में क्या कह रहे हैं, पता चल रहा है? कहे कि भगवान के माया, अब तो राम भगवान के बीजेपी वाला मानते हैं ना, उनका तो माया रहा, उनका भी माया रहा ना बीजेपी पर, तबे ना। अब एक चीज जान लीजिए, हनुमान जी खिसिया गए हैं बीजेपी पर, अब तो उखाड़ करके फेंक देंगे। अच्छा। एक चीज जान लीजिए आप, पहले लोग इस तरह का मुद्दा कहते थे कि राम मंदिर तो हनुमान जी तो राम जी करते थे, अभी लोग जब देखे कि भाजपा सब छोड़ के विकास का बात करने लगा तो अभी लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी खिसिया गए तो राम जी खिसिया गए। अब 2024 का मुख्य प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी बनेंगे। हाँ। क्या खास बात है उनमें? उनमें खास बात है कि ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा। वो राजनीति करते हैं। अच्छा। स्टूडेंट को रोजगार मिले। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था सही हो। कितने रोजगार मिले? रोजगार अभी तो बने ही नहीं है पीएमओ, कितने रोजगार मिले? 2 करोड़ और बोले थे मोदी जी। 10 साल पहले उनकी सरकार थी भाई, 10 साल पहले उनकी सरकार थी, उससे पहले अग्निवीर नहीं आया था। 2 करोड़ रोजगार मिला, अग्निवीर कौन लॉन्च किया बताइए? पहले भर्ती नहीं होता था? कितना साल से कांग्रेस सरकार चलाई है यहाँ पे? अच्छा। कितना साल से? 4 साल का नौकरी किया, एकर बाद सस्पेंड, और नेता के 5 साल, सबके 5-5 साल रहेगा, वेतन भी मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, अग्निवीर का है लॉन्च? अग्निवीर जैसे लोग कहते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, बहुत लोगों का इच्छा होता है कि हम देश की सेवा करें, जब आपातकाल की स्थिति आएगी तो वैसे ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होगी, तो जब युद्ध होता है तो देखते हैं कि हमारे सैनिक कम पड़ते हैं, इस तरह का होता है। तो 4 साल जब सेवा करेंगे लोग, 19 में उनको मैक्सिमम 19 एज है जिसमें नौकरी मिल जाएगा, 23 में रिटायर कर जाएंगे। उसके बाद उनको अभी सुने होंगे कि रेलवे में सब्सिडी, रेलवे में उनको आरक्षण मिलेगा, उनको सभी तरह के सेना बल में 10% 20% करके उनको मिलेगा, और अभी बहुत जल्द हो सकता है कि 50% लोगों को वापस उसमें से रख लिया ही जाएगा, तो सिर्फ 50% लोग बचे, तो उसमें कई और सेना में है जहां पे उनको 10% 20% का आरक्षण मिल रहा है, उनको रेलवे में आरक्षण मिल रहा है, तो क्या ये गलत है? यानी कि इनका कहने का मतलब है कि सेना भी जो अग्निवीर बहाली हुए हैं वो अर्ध सरकारी है, अभी अर्ध सरकारी है। हाँ।
नहीं नहीं आज सरकार नहीं है उसमें से 50% लोग देंगे 50% को भगाएंगे यानी कि 50% 2024 के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया महागठबंधन गठबंधन बनेगा। हाँ और नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को भी। कहा राहुल गांधी को नहीं जानते का? जानते हैं। नीतीश कुमार को जानते हैं? जानते हैं। तो कहा नहीं बोल रहे हैं? अभी तो भैया हमने कहा कि इनका खुद का गठबंधन नहीं हुआ तो पार्टी का गठबंधन कैसे ऐसे कहा बोल रहे हैं? देखिए खुद का गठबंधन नहीं हुआ वो लोग का, तो हम क्या कहें आपको? हम लोग डरे हुए, देखिए मुद्दा नहीं, लोग डरे हुए बीजेपी वाले, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। दो दिन के बाद देखिएगा इन लोग के कुल सफाया जितना भी है सब साफ हो जाएगा। अच्छा सुनिए ना, ये दूसरे राउंड में तो मोदी जी 200 रुपया कम किए हैं। अच्छा। अब आपकी देखिएगा क्या होगा, पेट्रोल डीजल से कम हो जाएगा। मीटिंग करने के दौरान 200 रुपया कम हो गया, फिर मीटिंग हुआ तो फिर कम होगा। नेटी धराया तो 200 रुपया कम किए, नेटी धराया नरेंद्र मोदी जी का धरे ऐसे करके पकड़े के लोग महागठबंधन के लोग जिसका बात कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा भैया तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, यहाँ पे सभी लोगों की जानकारी आप लोग को नहीं होगा तो बताना चाह रहे हैं हम कि जब केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार नहीं बनी थी उससे पूर्व जो लास्ट जो सिलेंडर का दाम था वो कितना था? वो दाम था 1100 कुछ हो गया था, और बताइए कि उसको फिर घटा के जब एनडीए की सरकार आई 800 गया, आज खूब बढ़ा तो 1200-1100 हुआ। अच्छा महंगाई है या नहीं? महंगाई देखिए अब जब सुनिए महंगाई रोजगार पे लोग बातों के लिए महंगाई नजर ही नहीं आता है। 200 रुपए टमाटर हो जाए या 1200 रुपए सिलेंडर हो जाए, एक दिन एक टमाटर का रेट 1 महीना 2 महीना के लिए बढ़ता है तो इसको महंगाई हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सुनिए ना रोजगार पे बात नहीं करेंगे। मीठे मीठे बोल करके मुझको फंसाया वाला हाल हो गया। नरेंद्र मोदी वही किए, प्रिय भाइयों बहनों इतना लाख रुपया जाएगा, इतना करोड़ रुपया जाएगा और टमाटर 200 रुपया। क्या नरेंद्र मोदी टमाटर नहीं खाते होंगे? उनको महंगाई नजर आता है कि नहीं आता है? एनडीए के सरकार में आज टमाटर है वो महंगा हुआ, तो आप लोग विपक्ष तो इतना भीन है, विपक्ष तो विपक्ष के पास कभी है चार गो इनके कार्यकर्ता है जो कभी हम लोग को घेर भी सकते हैं। पेट्रोल डीजल का आज से पहले जब दाम पड़ता था हम लोग सड़क पे उतरते थे 2014 से पहले, इन लोगों ने कभी विपक्ष नेता के क्या काम है? सुनिए ना नेता के क्या काम है? दाल हो गया, नेता के क्या काम है? नेता के काम है सड़क पे उतरना की साइकिल चलाना काम है? नेता के साइकिल सड़के पर उतर के आंदोलन करता है जी? कि जाकर वहाँ साइकिल चलाएगा भी? नहीं नहीं अपना आंदोलन करके अपना जो इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी वाले जब से आए हैं तब से जो है हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते तो फिर में उनको सरकार मिल गया है। अच्छा ऐसे होता है? नहीं ऐसा नहीं होता है। वहाँ से आप पटना से चल करके आए हैं ना तो आपको तो चलने में भार पड़ा होगा, उसी तरीका से हर लोगों को हर संगठन को आगे आकर के रोड पर मजबूती के साथ आंदोलन करने पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं भाई जी? ये कह रहे हैं कि ये अभी कह रहे हैं कि रोड पे आना पड़ेगा, जब 220 रुपया केवल बढ़ता था गैस सिलेंडर पर, इन्हीं के मंत्री समृद्धि ईरानी रोड पर सिलेंडर लेके प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी। सुनिए ना सर, 2014 से पहले आप लोगों को याद होगा कि सिलेंडर के लिए कतार लगता था यही मोड़ पे, और आपको एक दिन में सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता था। आज आपके घर तक सिलेंडर पहुँच रहा है और उसी रेट में, आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिए। इसलिए अगर मैं पेट्रोल अगर 300 रुपए लीटर कर दूँ और आपका घर होम डिलीवरी मिल जाएगा तब संतुष्ट रहेंगे? उससे पहले कि आपको उससे पहले सुनिए, पेट्रोल का दाम 300 रुपया हुआ, पेट्रोल का दाम 300 रुपया हुआ, नहीं ना देखिए जुमलाबाजी करने से कुछ नहीं होगा, जो तथ्य है उस पे बात कीजिए ना। पेट्रोल का दाम 300 रुपया हुआ क्या? नहीं। और हमारे सरकार ने अभी कहा है कि 2030 से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन रोड पर ले आएंगे तो फिर पेट्रोल डीजल का तो दाम का बात ही नहीं रह जाएगा, ये मुद्दा ही इनके पास खत्म हो जाएगा, फिर ही किस पे बात करेंगे? अब बताइए क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आएंगे। हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, सीएनजी गाड़ी आएगी, सब आ गई है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी जब पूर्ण रूप से हो जाएगा, सीएनजी पहाड़ पर चढ़ जाएगा ऊपर। अरे नहीं चढ़ेगा तो क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ियां चढ़ रही है आज पटना में। अभी कितना है सर आपका? हेलो कितना सीएनजी का रेट है अभी? सीएनजी का रेट है 87 रुपया। और ये 2 साल पहले कितना था? 2 साल पहले कोई 54 रुपया नहीं आता, 54 रुपया। और दिल्ली से उसको औरंगाबाद आने में जो खर्च लगता है आप उसको जोड़िएगा ना, कि आप दिल्ली के रेट में औरंगाबाद नहीं पाइएगा। ट्रांसमीटर कैसे मुद्दा से भटका रहे हैं? मोदी सरकार के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं? स्वावलंबी भारत योजना आप लोगों को पता नहीं है कि स्वावलंबी खुद खाली इनका कागज पे योजना चलता है, कागज पे। अरे तो यही तो कह रहे हैं कि अभी इन्हीं लोग के सामने हमने कहा और आप सभी लोगों ने सुना होगा, चाचा उम्र दराज है उनसे पूछिए कि यही प्रधानमंत्री जो थे यूपीए में उन्होंने कहा था
कि हम यहाँ से 2000 रुपया खाता में डालते हैं और नीचे जाते जाते 10 रुपया गरीब खाता में पहुंचता है। आज यही प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि हम 2000 रुपया खाता में डाल रहे हैं, हम 6000 पटवन के लिए खाता में डाल रहे हैं और उस किसान के खाता में 6000 के 6000 पहुंच रहा है। अच्छा 2000 वाला बताइए, बताइए ना 2000 वाला बताइए, बताइए ना आप लोग 2000 ये कह रहे हैं कि साल में कितना 6000 देते हैं मोदी जी। पहले डीएपी का रेट कितना था 2000, ये जुमला है मात्र 2000 देते हैं, 8000 इधर से खरीद लेते हैं और डीएपी 1800 रुपये पैकेट मिल रहा है, 50 केजी का यूरिया जो है 45 केजी का आ गया है, कुछ बोलिएगा इसमें। उसमें भी सब्सिडी है, आप इस चीज को कैसे भूल जाए, खाद में क्या सब्सिडी है, खाद में सब्सिडी है, जब किसान जब उसको ले रहे हैं जितना बीज आप लीजिएगा उतना का जमीन कैसे नहीं आ रहा है, जमीन का आप रसीद और वो करवा के जमा कीजिए, आपको सारे में सब्सिडी 30% 40% ऑनलाइन होने से कितना महंगाई बढ़ा है पता है, कितना बड़ा पहले क्या होता था रजिस्ट्रेशन, अब कॉलेज में भी है लेकिन से पूछिए, पहले रजिस्ट्रेशन आता था यहाँ पर भरवाता था फॉर्म, अभी ऑनलाइन में कितना हो रहा है। इधर आइए ये महाराज, इधर वो कह रहे हैं ना कि हम वोट देंगे बीजेपी के, इधर आइए इधर आइए। किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, क्या बात है राहुल गांधी? बहुत खास बात है, बहुत अच्छा नेता है, हमारे देश के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा क्या काम किया बताइए, कुछ बताइए ना कम। बहुत जो पहले जितना भी महंगाई था अभी भी नहीं है उतना, जितना ये भैया बोल रहे हैं सर बोल रहे हैं क्या था इनको खुद पता है, बेकार की बकवास कर रहे हैं। का है वो जो बात है सब बता रहे हैं भैया, अपना बात बता रहे हैं जो ये भैया तो बोल ही दिए कि पहले क्या था, अभी जो कांग्रेस सत्ता सा... हाँ ये नहीं तो पैकेट से खर्चा होबे करता है, वैसे देश बन रहा है। दिखाओ कैमरा में, क्या नाम है, क्या नाम है? नाम अमित कुमार है। क्या कर रहे हैं अभी तो 2024 के प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। का है मोदी जी? अरे काहे नहीं मोदी जी, काहे बताइए ना। पहला नंबर देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, पहला नंबर सिंपल सोचिए ना, मेरे पास रोजगार है, मोटा मोटी मानिएगा मेरे पास रोजगार है, खाने के लिए घर है, सब चीज है, और बाहर से आके कोई लूट लिया तब? अच्छा सुरक्षा नहीं है तो फिर क्या करेंगे रुपया के, क्या करेंगे रोजगार के? इसीलिए बिहार में सुरक्षा सब बीजेपी वाले को मिला है XYZ। सुनिए ना, बिहार में तो बिहार बिहार में तो पुलिस या सुरक्षा नहीं है, न टीचर में सुरक्षा है, तो हम नहीं कहाँ से सुरक्षा होंगे? नेता का सुरक्षा करवा दीजिए, बॉर्डर पर कुछ नहीं है, इसीलिए पुलवामा हमला हो गया। एक मिनट एक मिनट, ठीक है सुनिए सुनिए सुनिए, आज तक सुना है अभी तक कि फलना जगह यूपी में मोटा मोटी मान लेते बीजेपी का सरकार है, सुना है कि दंगा हो गया? दंगा हो नहीं रहा है, कहाँ दंगा रहा है? नहीं एक मिनट एक मिनट, कहाँ सरकार है सर? मणिपुर में है किसकी सरकार है बताइए, किसकी सरकार है मणिपुर में? नहीं नहीं एक मिनट सुनिएगा, जैसे लोग सिर्फ मणिपुर पे कर रहे हैं तो क्यों ना बंगाल पे लोग चर्चा करते हैं? बंगाल में आए दिन, बंगाल में आए दिन टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ के लोग का लोग शोषण और दोहन करते हैं, क्यों नहीं बंगाल का? बंगाल में दुश्मन इंडिया के लिए है भाई, भाई गला मिलो। मणिपुर में जो हुआ है नया नहीं हो रहा है, शुरू से होते आ रहा है, कांग्रेस का भी सरकार था, लड़कियों का लंगा परेड शुरू से होते रहा है। जनता देखिए, जनता सब जान गई है कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, जुमलेबाज का सरकार है ये, ठीक है ना, अब चलने वाली नहीं है, इंडिया गठबंधन करते रहना है, क्लियर रहेगी। इनका कहने का मतलब है ना कि आप बलात्कार कुछ सब कुछ करवाते रहो और वो होते आएगा। चलिए आप लोगों की जानकारी के लिए और बता देता हूँ आपको कि मणिपुर में अगर हिंसा हुई है तो उसके पीछे बीजेपी, वहाँ पर बीजेपी की सरकार भी है, लेकिन सबसे गलती है। हाँ ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन आपने बेगूसराय के बारे में सुना था? हाँ। एक बेगूसराय में एक लड़की को और एक मास्टर को नंगे करके घुमाया गया था, ये गठबंधन की सरकार में सही बात है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, लेकिन गलती उनकी थी, लेकिन हाँ यहाँ पर यह हुआ कि सरकार ने एक्शन लिया उनको और तुरंत वो लोग पे कार्रवाई किया है, लेकिन मणिपुर में कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही मणिपुर में, क्या कहना चाहिए? मणिपुर में कार्रवाई हो रही है, अब वहाँ हिंसा थोड़ा बढ़ गया है, उसके लिए धीरे धीरे लोगों को समझाने, क्योंकि वहाँ एक दो पक्ष हैं, दो समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ सरकार उस पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। किसका है लॉ ऑर्डर, कौन मेंटेन करेगा? सेंट्रल में है, बात बात कहते हैं कभी कि डबल इंजन की सरकार नहीं है इसलिए हो रहा है, तो डबल इंजन की आपको सरकार मणिपुर में मिली, लॉ ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा? राहुल जी जाएंगे वहाँ पे? कहाँ हो रहा है, 3 साल 3 महीना हो गया है, 3 महीना प्लस कहिए, लॉ मेंटर 1 साल बाद कीजिएगा इलेक्शन के समय। जैसे आप लोग सिर्फ इसी बात को आप लोग फिर जैसे झेड़ रहे हैं, लॉ ऑर्डर वहाँ मेंटेन होने का, लॉ ऑर्डर मेंटेन होने का वहाँ काम कर रही है केंद्र सरकार भी लगी हुई और वहाँ मोदी जी और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी लगी हुई है, लेकिन ये लोग बार बार क्यों भूल जाते हैं कि ऐसी हिंसा बिहार में भी होती है, ऐसी हिंसा झारखंड में हो रही है, ऐसी हिंसा जिस तरीका से ये लोग बंगाल को कभी नहीं, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी वालों ने देश को बेचने का काम किया है, उसी तरीका से देश के बेटियों को भी बेचने का काम कर रहे हैं लोग। बीजेपी का मात्र एक ही सिद्धांत है, कैसे भी चुनाव जीतना, उसके लिए
जितना भी विरोधी पार्टी है उसको बदनाम करो।